का अध्यक्ष श्री राजेंद्र सिंह सलूजा के द्वारा पेयजल संकट को लेकर पंप ऑपरेटरों की बैठक ली गई, जिसमें ऑपरेटरों की समस्याओं की जानकारी ली गई तथा उन्हें आगामी ग्रीष्मकालीन पेयजल संकट से लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। सभी पंप ऑपरेटरों को पूर्व में दिए गए दिशा निर्देशानुसार बाल्ब खोलने की हिदायत दी गई तथा गर्मी के मौसम में नियम से काम करने की भी सलाह दी गई तथा किसी भी प्रकार के दबाव में काम न करने की समझाइश दी गई। मेरे पास आ जाए, मैं उसकी व्यक्तिगत मदद करूंगा, ठीक है, लेकिन पानी नहीं बेचना बेटा, ये ध्यान रखना। टंकी की सप्लाई हो रही है, ट्यूबवेल की क्या पोजीशन है, सब कोई दिक्कत तो नहीं है? ट्यूबवेल के 11 में ये फोन नंबर, अच्छा बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है, बोर सब ठीक है? एक समय क्या और दूसरे समय कोई पानी नहीं खोलेगा, और मीटर की रीडिंग ले आओ सारे सबकी, और ये 8 नंबर पे शिकायत ज्यादा है, 8 नंबर पे 2-3 बार पानी खोल रहा है पापा, एक ही टाइम पानी खुलेगा दूसरी बार खोल मत देना तुम। गर्मी को देखते हुए तैयारी करी हुई है, तैयारी ये कर रखी है कि हमारे पास जो नाना खेड़ी की टंकी है उस पर हमने 4 ट्यूबवेल करा दिए और उसको टंकी को भर रहे हैं, और जो बाड़ों में ट्यूबवेल है, टंकी की सप्लाई और बाड़ों ट्यूबवेल की सप्लाई को जोड़कर हम नाना खेड़ी का पानी हार्ट रोड तक ला रहे हैं। कितने वार्डों में देंगे ये? करीबन वो हम 7 वार्डों में ले जा रहे हैं, 6 से 7 वार्डों में। बूढ़े वाला जी की टंकी का पानी 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 तक दे रहे हैं बूढ़े वाले जी का पानी, और 7-12 वाला टंकी दोनों को कनेक्शन करके और ट्यूबवेलों को शामिल करके। कितनी टंकियाँ, कितनी है टंकी? हमारे पास 5 है, पांचों को जोड़ रहे, पांचों को हमने आपस में जोड़ दिया है, और टंकी कंप्लीट करने से और हमारे जो अधिकारी हैं, जो हमारी नीचे टीम काम कर रही है, उनकी मेहनत से, इन सबके सहयोग से, जितने जी हमारे नल खोलने वाले हैं इन सबके सहयोग से, मुझे ऐसा लगता है कि हम 3 महीने की गर्मी में कोई शहर के लिए समस्या पैदा नहीं होने। शेड्यूल क्या रहेगा पानी सप्लाई का? 1 घंटे 2 घंटा। एक घर में कितने लीटर पानी देंगे? एक घर में 500 से 700 लीटर पानी दे रहे हैं। अभी कितना जा रहा है? अभी ज़्यादा जा रहा है, 900 लीटर जा रहा है।